पावन तने संकट हरन और मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप। तो खाक का पुतला बनाया खाक ही दामन भी रहे खाक में मिल जाएगी तेरी खाक की तस्वीर है। आदरणीय उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु त्रिमूर्त डिजिटल चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष में भाइयों की विशेष मांग के ऊपर जो हमारे पास कमेंट आए और फोन आए हैं तो रामायण से एक छोटा सा हिस्सा आप लोगों के समक्ष में उर्मिला वियोग की सुंदर सी कथा लेकर के आ रहे हैं। तो आ जाइए दोस्तों, यहां तक हुआ है कि जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास जिस समय हुआ है तो उनके अनुज भ्रात लक्ष्मण भगवान श्री राम से बोले हैं, भैया मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। राम कहने लगे, भ्राता श्री अगर मेरे साथ तुम चलोगे तो एक काम करो, पहले मैया के पूछ के आओ कि मैया मेरे साथ तुम्हें जाने भी देगी या नहीं। तो बाई समय पर लक्ष्मण मैया के पास में गए हैं और जाए के बोले, हे मैया, अरे गए मैया के पास करी अरदास, बचने फरमायो गए मैया के पास करी अरदास, बचन फरमायो भैया से लागी प्रीति रे मैं पास तुम्हारे आयो, कहना चाहता हूं बड़े भैया राम के साथ आज्ञा दे तो मैं भी जाऊंगा। मां सुन माई चितलाई कहीं समझाई चरण सिर नाऊ दे दो, मैं बन को जाना चाहता हूं। इतनी बात सुनकर के मैया रोने लगी और बोली, है लाला, अरे सुन के बचन कहरी मातारी, हजारी
कर सकती हूँ, दुख तो बहुत हो रहा है। तुम भी मेरे बेटा हो और राम भी मेरा पुत्र है, इजाजत कैसे दूँ? लेकिन बेटा मैं मना भी नहीं कर सकती हूँ धर्म के हितार्थ। मैया कहने लगी है, लाला अगर तुम्हारी इच्छा है भैया के साथ जाने की तो जाओ मेरे लाल, जहां रहो सदा सुखी रहियो मेरे बेटा। तुम्हें जाता हुआ मैं देख तो नहीं सकती हूं, क्योंकि मेरे लाल आज मैया सुमित्रा अपने लाले लाल को छाती से लगा करके चूमने लगी है और चूमती हुई कहने लगी बेटा जाओ। उसी समय मेरे भैया की आज्ञा लेकर ही चलो कुमार हर साई। लक्ष्मण चले हैं, राम ने आवाज मार दी है, भैया लखन अरे जल्दी आओ, देर हो रही है मेरे भैया, देर हो रही है। लक्ष्मण चले हैं और राम के पास पहुंच गए हैं तो राम लखन और सीता वन को जाने की तैयारी में लग गए हैं कि 14 वर्षों के लिए गए लखन सिया राम जल ले ठाड़ी उर मिला पड़ी ती प्रसी घाम। राम लक्ष्मण और मैया सीता
माँ बाप की आज्ञा का पालन करने के बाद, मैया केकई का आज्ञा का पालन करने के बाद में वन के लिए जब चल दिए हैं, और इधर उर्मिला जल का लोटा हाथ में लिए हुए खड़ी है, पानी भी नहीं पिया, लखन ने और भैया के साथ चल दिए हैं। ऐसा हुआ, अरे ना उर्मिला लखी करी है जब चलबे की प्यारी, मुड़ के नहीं देखा लखन ने, अरे ना उर्मिला लखी करी है जब चलबे की प्यारी, चल ले करके पीछे पीछे भागी घरबारी, भैया बीरू लक्ष्मण चल दिए हैं और उर्मिला जल का लोटा लेकर के खड़ी है, लेकिन मुड़ के नहीं देखा लकी भैया, मुड़ के नहीं देखा लक्ष्मण ने, तरस नहीं लक्ष्मण को आओ, तरस नहीं लक्ष्मण को आओ, बन के तपसी चले राम के संग वन में दाओ, चले संग है पन को जब धाओ, मेरे भैया राम लक्ष्मण सीता जिस समय वन को चल दिए हैं और उर्मिला देखती रह गई, खड़ी रह गई, तीनों प्राणी चले गए हैं 14 वर्ष का समय बिताने के लिए वन की भूमि में। उर्मिला से मैया कौशल्या और सुमित्रा ने कहा कि बहू अंदर घर में चलो, पति के वियोग में इतनी पागल हो चुकी थी वो दुखिया, कछु ना स्वायर हो भाई, बेटा शीलू कछु ना स्वायर हो भाई, कहने लगी क्या लिखा है किस्मत में मेरी में ईश्वर ने, क्योंकि आज बनवासी सजन मेरे हो गए, 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 हाथ मेरे से पानी पी गए, हाथ मेरे से पानी पी गए, पति की प्यारी उर्मिला देखती रह गई
मेरे प्रिया भामरे डाल करके ले गए आए थे घर स्वर्ग बन गया था। अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, क्योंकि बेचारी देखती रही। कौशल्या सुमित्रा उर्मिला को घर ले गए हैं। शाम जब हुई है तो भैया दुखिया ने खाना नहीं खाओ, खाना की तो कौन कहे, दुखिया ने पानी भी नहीं पिया। जब सुबह हुआ है रात भर बेचारी जगत रही। जब भुरारो बहु है तो चार पाई से उठी और पृथ्वी मैया के चरण स्पर्श किए हैं। जब पति दिखाई नहीं दिए हैं तो दुखिया का क्या हाल हुआ। सोचन लगी आज हमारे पति होते पति लक्ष्मण घरे वो उन्हें नवाती शीश, पद को सुख न मिल सको तूने कहा लिखी जगदीश। हे प्रभु मेरी किस्मत में तुमने क्या लिख दिया है, आज यदि हमारे पति होते तो मैं उनके चरण स्पर्श करती अब क्या करूं मैं। और मिला पति की याद करके बहुत बुरी तरीके से रोने लगी है और बोली है कि मैया केकई ने मेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है। कि पति की पुजारन और रसता निहारे, कब आओगे जीवन साथी, कब आओगे जीवन साथी, कब आओगे तुम। अगर तुम नहीं आए तो सत्य में मर जाऊंगी। पति की पुजारन
बहुत याद आ रही है मुझे। उर से आकर उर को मिला लो, मैं बहुत परेशान हूं। उर से आकर उर को मिला लो, उर मेरे को उर में बसा लो, उर से आकर उर को मिला लो, उर मेरे को उर में बसा लो। से रोने लगी है, रोते रोते बहुत बुरा हाल हो चुका था, सोचने लगी है कि शादी के बाद पहली बार ये जुदाई हमें सहने को मिल रही है, पहली बार जुदाई सहने को मिल रही है हमें। और उर्मिला रोती रोती बोली कि बैठी की बैठी धीय रही, और क्या हुआ, आंसू आँखिन से जारी हैं, सुंदर है।
जब उर्मिला को रोता हुआ देखा, कहने लगी, बहू क्या बात है, क्यों रो रही हो? मुझे पता है तुझे गम लक्ष्मण का लगा हुआ है। मेरा भी तो बेटा था, मेरा भी बेटा है, अगर तेरा पति है तो मेरा बेटा है। और बेटी की बेटी थी यही आसन में सासु को डाल सकी, और आँख न से आंसू बहनस लगे, आखिन से आंसू बहन लगे, ना खुद को नार संभाल सकी। इतनी पागल हो गई जो अपनी सासू माँ के लिए आसन भी नहीं डाल सकी लक्की भैया, और बोली है, मैया मैं कैसे दिल का दर्द कहूं, कुछ कहने में नहीं आता है। जब याद पुरानी आती है, जब याद पुरानी आती है, मुँह और कलेजा जाता है। लगता है कि कलेजा मुंह की ओरी से बाहर निकला आता है। मैया मैं क्या करूं, क्या करूं मैया, सुख छोड़ के दुख में घिर बैठी, ना जाने क्या अपराध किए। एक डाली पर जो लगे फूल, माँ के कई ने बर्बाद किए। हे माँ, कितने सुंदर फूल वृक्ष पे लगे हुए थे, मैया के कई ने बर्बाद कर डाले, बर्बाद कर डाले। मां चलता दीपक था फोड़ दिया, मेरे ससुर ने दम को तोड़ दिया। मैया के कई ने की सेवा में मुझको, श्री राम की सेवा में मुझको मेरे पति लक्ष्मण ने छोड़ दिया।
लक्ष्मण ने छोड़ दिया। मेरे भैया आज उर्मिला बहुत बुरी तरीके से रो रही है। मैया कौशल्या की गोदी में बैठ करके उर्मिला ने अपने दिल की सारी बात बता डाली है। मेरे पति शादी के 12 साल तक मेरे साथ रहे, बाद में उन्होंने मुझे ठुकरा दिया। हे मैया, माँ कहने लगी है, बहू तू बहू नहीं मेरी बेटी के समान है। धीरज धर लो, वो जरूर आएंगे। धीरज धर लो बेटी, वो जरूर आएंगे। अरे ये बनाए रोई उर्मिला नारी, और धीरज धर ले राजकुमारी। बेटी रोना नहीं, जरूर आएगा मेरा बेटा लौट के, जरूर आएगा। अब नए रोई उर्मिला नारी, धीरज धर ले राजकुमारी। बेटी सोना नहीं, सोना नहीं, मत ना रोवे तू धीया हमारी। रोइयो ना बेटी, रोइयो ना, मत ना रोवे धीया हमारी। और रोई के कर रही तू तन की ख्वारी। जरूर आएगा, वो जरूर आएगा। आवे वो मेरो सुकुमार, धीरज धर ले राजकुमारी। तब तक क्या हुआ, मैया कौशल्या उर्मिला को समझा रही थी, तब तक सुमित्रा आ गई, रोती बिलखती हुई वो भी आ रही है। तो लो रोई सुमित्रा मैया, हाँ तो लो रोई सुमित्रा मैया।
मैया सुमित्रा कहने लगी, दीदी जब के कई ने मेरे संग नहीं गुनाए करो, जब के कई ने बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा किया है। अरे के कई तूने जुलम गुजारे, अरे के कई तूने जुलम गुजारे, अरे बन को भेजे हैं कुमर हमारे, धीरज धर ले राजकुमारी। अब ना रुइए उरी मिला नारी, धीरज धर ले कौशल्या और सुमित्रा उर्मिला को समझा रही है और कहने लगी, बेटी कतई पागल मत हो जाओ, वेरो लला लौट की जरूर आए हैं। कछ दिन की बात ये तो है, कछ दिन की बात है। आज उर्मिला को कौशल्या ने और सुमित्रा ने अपनी गोद में बिठाए लो और कही, बिटिया सुनो, अरे धीरज धर ले और सुकुमारिया बेगो दुलारो, धीरज धर ले सुकुमारी तबे को दुलारो। बेटी रुइयो ना, अगर तुम्हारा पति है लक्ष्मण तो मेरा बेटा है धीरज धर ले सुकुमारी आवे वो दुलारो, हाँ धीरज धर ले सुकुमारी आवे वो दुलारो। बेटी कछु दिन धीर धरो मेरी कछु दिन धीर धरो मेरी प्यारी, बेटी काहे को रही तुम हिम्मत हारी, लली रुइयो ना, काहे को रही आंसू डाली आवे वो दुलारो, धीरज धर ले शीलू। आगे क्या हुआ, मैया कौशल्या सुमित्रा समझाने लगी है बोबी, सुनो शिव हरे राम जब आवे, सुमित्रा बोली, बेटी जब राम लखन लौट के आई ना सारी इच्छाएं तेरी पूरी हो जाए, सुनो शिव हरे राम जब आवे, मन वांछित तू फल को पावे, मन वांछित तू फल को पावे,
बहु आवे की संग सीता प्यारी आवे छाती से लगा लिया, कहा कि बेटी मेरा बेटा जल्दी लौट करके आएगा। ये उर्मिला वियोग की सुंदर कथा मैंने आप लोगों के समक्ष में प्रमोद डिजिटल चैनल के माध्यम से सुनाई है। अब इंतजार करेंगे कि भगवान श्री राम लक्ष्मण और जनक नंदी सीता किस तरह से लौट करके आए हैं। आगामी बोलियों में हम आपको जरूर सुनाएंगे।